हेलो बच्चे गेमर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में खेलूँ मैं माइनक्राफ्ट, वो भी लाइव बोर्ड सर्वाइवल। जी मैंने बहुत बारी खेला, ये मेरा फेवरेट सर्वर में से एक है। तो इसमें क्या करना होता है ना, हमें ऐसे करना, टीम सी बनानी होती है और ऐसे हम बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं इसमें, और अपने इसमें ना अपने ये जो प्लेयर्स हैं ना इनको मार के ना सामान जमा करना होता है, और अपने अपने सामान हम खुद भी जमा कर सकते हैं, और इस तरह से उनको पीवीपी में हरा के ना थोड़ा सा सामान हम उनको मार के भी जमा कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं मर चुका हूँ, तो ना इसमें ये मेरा दोस्त का घर है यहाँ पे ना, अब हम क्या करेंगे वो देखिए। ये ना मेरी जो S7 सर्वाइवल मोड, इसका वो कोड अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ना लॉबी में जाके, ऐसा सिर्फ टाइप करना आप ये ज्वाइन कर लोगे। मेरे में ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी में ज्वाइन हूँ, पर अगर आप लॉबी में जाके इसको ज्वाइन करोगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं अपने दोस्त का ऊपर से है तो अच्छा, बहुत ऊंचा घर बनाया है। यहाँ से कुल मैं गिर जाऊँ ना मेरी हड्डियाँ भी ना मिले यहाँ पर पता। तो ऊपर जाके देखते हैं, देखिए कैसा कैसा घर बनाया यार इसने। अब नीचे चलते हैं, थोड़ी सी वुड जमा करते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे। तो गाइस जी मैं नीचे आ चुका हूँ, अब हम वुड जमा करेंगे। वो देखिए वहाँ पे जाके, वो नीचे बहुत सारी वुड है, हम वहाँ पे आके वुड जमा करेंगे। और ये मैं आ गया वुड जमा करने, ये हमने पहली वुड जमा कर ली है गाइस। और अब हमें और पूरी टोटल 5 वुड चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए हमें इससे, तो मैं जमा कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। मुझे ना 2 और वुड चाहिए, ये मेरे सामने पड़ी है। पहली बारी मैं लाइव बोर्ड में कुछ हाथ से तोड़ रहा हूँ, ऐसे तो मैं बंदे हाथ से मारता था, कुछ तोड़ता नहीं था, हाथ से कुछ तोड़ना ही नहीं मैंने, पत्थर दे दो मुझे, कुछ डर्ट से तोड़ता बस। आज पहली बारी तोड़ रहा हूँ मैं। और ये जो इंचांटल बुक है ना, ये कोई इंचांटमेंट के लिए नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि इंचांटमेंट के लिए, ये ना उसी के लिए सिर्फ क्या बोलते हैं, इसमें हम अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकते हैं बिना बैठ के, क्योंकि इसमें बैठ तो होता है पर इस पर हम अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनके लिए सबको सोना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे आप बोलोगे कि नॉर्मली क्लिक करो बेड पे सो जाओगे, पर ऐसे सो नहीं कर सकते हम बेड पे, तो इसलिए हमें इस बुक का यूज़ करना पड़ता है। हम इस पर हर एक चीज़ कर सकते हैं, लाइव बोर्ड में जो भी फीचर्स हैं इस बुक पे। यहाँ पे किसी का फर्नेस लगा है, एक कोयला भी नहीं, पता नहीं कौन था इसने, इतना नूप बंदा था ना, एक गरीब के लिए कोयला भी नहीं छोड़ के गया यार इतना यार। अब हम ना माइन पे जाएंगे, मेरे दोस्त की माइन है, वो हम सब ने मिल के बनाई है। वहाँ पे माइन एक बहुत बड़ी है, इतनी भी बड़ी नहीं है, मतलब बहुत ही बड़ी है। चलो मैं हम दिखाते हैं आपको, ये जल्दी से भी वहाँ जाते हैं तो कुछ क्राफ्टिंग करने दो। एक्स बनानी है हमें, चलिए एक्स बन चुकी है। अभी वुड काटेंगे क्योंकि वुड की बहुत कमी पड़ती है लाइफ बोट में। लाइफ बोट में एक बहुत सारे ट्रेजर चेस्ट होते हैं, तो ये देख लीजिए ना क्या होता है, इससे हमने इसे टीपी कर सकते हैं दूसरे लोगों को। टीपी कमांड लिखनी है और बंदे का नेम टैग लिखना बस, फिर उससे हमने बंदे के टीपी कर सकते हैं, फिर ना हम कहीं से भी आसानी से कहीं पर भी जा सकते हैं। तो अब हम माइन पे जाएंगे, ये भी मनहूस बंदा पता नहीं कौन था, एक कोयला तक नहीं छोड़ के गया मेरे लिए, देखिए एक कोयला नहीं छोड़ा इसने, एक कोयला ही छोड़ देता यार। चलिए हम माइन पे चलते हैं, कहीं कहीं हमारी माइन होगी। और ये भी हमारे दोस्त का घर है, इसके अंदर एक इंचांटमेंट टेबल पड़ा होता था, देखते हैं अभी भी है नहीं है, कोई चोरी करके ले गया, वो मैंने ही रखा था इंचांटमेंट। ये तो मेरा ही कोयला है यार, एक कोयला कम है, ये मेरी माइन नहीं है, ये पता नहीं किसने माइन बना दी नूबड़े ने। अभी यहाँ पे हम वो करेंगे क्या बोलते हैं, माइनिंग पे जाएंगे। ये है हमारी माइन गाइस, ये हमारी माइन है, ये ड्रीम वाली माइन है, ड्रीम वाली। इसमें अगर जंप कर दिया ना तो ड्रीम, आप ड्रीम बन के भी इसको नहीं, इसके अंदर जंप करने से बच पाओगे। आपके पास चाहे वाटर बकेट हो या स्लाइम ब्लॉक हो, इसमें गिर गए ना MLG का पता नहीं लगेगा कब गिर गए, MLG का भी समझ नहीं आएगा। लेकिन इसी मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ अभी, तो इसीलिए उससे ना ऐसे हो रहा है कि मुझे इतनी अच्छे से खेल नहीं जा रही। वैसे मैं मोबाइल में ही खेलता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ऐसे लैपटॉप में भी नहीं खेली जाती ना। चलिए अब यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे रास्ता नीचे आने का,
यहाँ पे हम जंप करके जा सकते हैं या यहाँ पे सीढ़ी बनाई हमने, जिस बंदे को ज़्यादा जल्दी माइनिंग पे जाने के लिए उसके लिए जंप कर चल जाए, हेल्थ कम करवा ले, जिसने जिसको धीरा जलाने का तो वो फिर ऐसे जल जाए। देखिए ये हमारी माइन है इतनी अच्छी बड़ी नहीं है, मतलब है बहुत अच्छी, इसमें बहुत सारे डायमंड है गाइस, इसमें आयरन बहुत मुश्किल है मिलना, हमें बस आयरन चाहिए, आयरन मिल गया तो पूरा दिन चिंगा लाला हो जाएगा, इतना सामान मिल जाएगा ना किसी ने सोची ना होगी। तो बस ऐसे में आगे जा रहा था और मुझे सिर्फ एक आयरन मिला आगे जाके, अभी आपको देखोगे ना मुझे एक आयरन मिलेगा वो भी इस डायमंड के पीछे, इसके अभी हम ब्लॉक माइनिंग कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद इसका लाइफ बोर्ड का वो ख़त्म हो जाता है, अभी ना इसने पूरा लाइफ बोर्ड का सर्वाइवल मोड बना नहीं है इसलिए। तो बस यहाँ पे देखा मैंने बोला था एक आयरन मिल जाएगा मुझे, पर आगे जाके ना जब मैं दूसरी जगह जाऊँगा ना, यहाँ पर मैंने आयरन देखे थे बहुत सारे, तो फिर वहाँ पर मुझे ना बहुत सारे आयरन मिलेंगे जिससे हम वो कर सकते हैं सामान बना सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा कोल माइन करूँगा, यहाँ पे हम आ गए हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं थोड़ी सी, हम तो आगे जाके हमें मिलेगा थोड़ा सा आयरन, तो देखेंगे अब ये देखें कितने बहुत सारे डायमंड मिलेंगे इसमें, यहाँ पे बहुत सारे डायमंड मिलेंगे बट आयरन बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत सारे डायमंड मिलेंगे, फिर वापस अपना डायमंड्स को तोड़ लूँगा फिर हमारे पास 7 डायमंड होंगे। तो अब यहाँ पे हम ये डायमंड यहाँ पे थे, अब हम जाएंगे आयरन लेंगे, मुझे एक जगह याद है यहाँ पे आयरन था और मुझे भूख भी लगी थी मेरे प्लेयर्स को, तो मैंने वहाँ पे चैट में लिख दिया कि आई नीड फूड। तो अब देखते हैं कोई अगर टीपी करेगा ना उसको मार देंगे और सारा खाना छीन लेंगे, मुझे पता है एक बार मैंने ऐसे बोला था, एक मनुष्य बंदा आ गया एक सेब दिया उसमें फुल हंगर वार नहीं भरा, मैंने मार दिया उसको। अब यहाँ पे मैं आयरन स्मेल्टिंग करने के लिए लगाऊंगा, फिर मैं दूसरे जगह जाऊंगा, यहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ आयरन है, तो जल्दी जल्दी वहाँ पे जाते हैं। आप इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन क्लिक करना मत भूलिएगा। और ये हमने यहाँ पे आ गए, ये भी मेरे ये फर्नेस है, इसमें ना मैंने आयरन लगाए हुए थे बहुत सारे, तो वो भी नहीं मिले मुझे, तो ये वो भी नहीं मिले मुझे। यहाँ पे देखिए मुझे आयरन मिल चुके, मैंने कहा था ना कि बहुत सारे आयरन थे मैंने देखे यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे मैंने फटाफट सारे आयरन क्लेम कलेक्ट कर लिए हैं। तो अभी देखते हैं ये जो है ना फर्नेस, ये मेरा ही फर्नेस है, इसमें ना अब मैं आयरन डालता हूँ और मुझे सिर्फ 3 आयरन की ज़रूरत ना, अगर 3 आयरन होंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये आयरन की पिकैक्स, अब हम माइन करेंगे डायमंड, फिर पहला डायमंड लेंगे अपने हाथ में, फिर मज़ा आएगा ना बिडू। ये हमने माइन कर लिया अपना पहला डायमंड गाइस, इतना अच्छा डायमंड तो और में भी लग रहा था जितना अच्छा मेरे हाथ में लग रहा है। अब जो दूसरे जगह डायमंड थे ना वो भी माइन करेंगे, फिर पैसा ही पैसा होगा, दूसरी जगह जाके भी डायमंड माइन करेंगे सारे। देखिए एक डायमंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे मेरा डायमंड है, और अब आगे जाएंगे, यहाँ पे नहीं गलत जगह आ गया भाई, मैं कहाँ पे फंस गया मैं, हाँ ये है ये रास्ता मेरे रास्ते में, यहाँ पे सामने गोल्ड और लग रहे होंगे, जो सही रास्ता होगा सामने गोल्ड और होंगे, मिल गया रास्ता, यही रास्ता, गोल्ड और की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक काम है गोल्ड का, गोल्डन अप डाली यार, इसमें ना लाइफ बोर्ड में बहुत सारे हैकर हैं जिनके पास ऑटो क्लिकर है, तो उनसे भी हमें बच के रहना, हमें पूरे 7 डायमंड चाहिए, तो ये 7 डायमंड हो चुके हैं हमारे पास। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, और अब हम करेंगे टाइम पास और बहुत सारे मज़े। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा।